नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी की यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं हमारे कंप्यूटर में जो हार्ड ड्राइव लगा हुआ रहता है वहां पे बहुत सारे लोगों के मन में उसको लेके जो है बहुत सारे अलग अलग टाइप का मिथ्स है। मैं आज इस वीडियो में आपको उन्हीं सारे मिथ्स को बताने वाला हूं और उन सारे मिथ्स को मैं एक एक करके क्लियर करने वाला हूं। तो मैं यहाँ पे मेनली जो टॉप 5 मैंने मिथ्स को सिलेक्ट किया है उसके बारे में मैं बात करूंगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो मिथ्स है वो है फॉर्मेटिंग को लेके, कि बहुत सारे लोग जो है बोलते हैं कि अगर मैं अपने हार्ड ड्राइव को बार बार फॉर्मेट करता रहूंगा तो मेरा जो हार्ड ड्राइव है वो खराब हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल ही गलत है। यहाँ पे एक्चुअल फॉर्मेट में क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जैसे दोस्तों अगर आपने आपके कंप्यूटर में जो हार्ड ड्राइव है उसको अगर फॉर्मेट करते हो तो क्या होता है कि फॉर्मेट करने के दौरान वहां पे जो डेटा है वो डिलीट नहीं होता, वो बिल्कुल भी डिलीट नहीं होता। वो क्या होता है कि जो डेटा है उसका जो इंडेक्स है या फिर मैं आप कह सकते हैं उसका जो एड्रेस है वो डिलीट हो जाता है। मतलब आपका कंप्यूटर में जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम लगा हुआ है वो ये समझ नहीं पाता कि डाटा एक्चुअल है कहाँ पे। तो इसीलिए जो आपका कंप्यूटर है, जो आपका कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ये समझता है कि वहां पे कोई भी डेटा नहीं है। तो इसी तरह से दोस्तों फॉर्मेटिंग काम करता है। फॉर्मेटिंग के दौरान कोई भी डेटा आपके हार्ड डिस्क से जो है रिमूव नहीं होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक हार्ड ड्राइव को आपने मार्केट से खरीद के लाए हो तो वहां पे कोई डाटा एक्चुअली है ही नहीं। आप वहां पे अगर रिकवरी सॉफ्टवेयर भी रन कराओगे तो वहां से कोई डाटा आपको नहीं मिलेगा। पर यहाँ पे अगर आपने कोई एक हार्ड ड्राइव को आपने फॉर्मेट कर दिया, आपके वहां पे बहुत सारे डेटा था उसको आपने फॉर्मेट कर दिया, तो उसके बाद अगर आप एक रिकवरी सॉफ्टवेयर की यूज करते हो तो उसके बाद आपको ज्यादा से ज्यादा डेटा जो है रिकवर हो जाएगा। पर ऐसा ही चीज आपको एक नया हार्ड ड्राइव के साथ नहीं होगा। तो ये तो आप समझ गए कि फॉर्मेटिंग में क्या होता है। अब आ जाते हैं हमारा दूसरा जो मिथ्स है वो है कि डिलीट को लेके, कि बहुत सारे लोग जो है बोलते हैं कि डिलीट करने से जो डेटा है सबको रिमूव हो जाता है। यहाँ पे भी बिल्कुल सेम केस है जो मैंने आपको बताया फॉर्मेटिंग के साथ, डिलीट के साथ भी ऐसा ही होता है। डिलीट करने से कोई भी डेटा आपके कंप्यूटर से रिमूव नहीं होता, सिर्फ उसका एड्रेस डिलीट हो जाता है। तो इससे क्या होता है आपके कंप्यूटर को यह पता नहीं चलता कि डेटा एक्चुअल था कहां पे। तो आप कैसे डेटा को रिकवरी होने से बचा सकते हो, मतलब आप उस डेटा को कैसे पूरी तरह से नष्ट कर सकते हो आपके कंप्यूटर से। तो इसके लिए जो टेक्निक यूज किया जाता है वो है कि एक डेटा आपके कंप्यूटर में जो था आपने उसको फॉर्मेट कर दिया, उसके ऊपर फिर से नए नए डेटा को आपने राइट किया, फिर से उसे फॉर्मेट किया, फिर राइट किया, फिर फॉर्मेट किया, फिर राइट किया, फिर फॉर्मेट किया, ऐसे करते करते आपका जो पुराने वाला डेटा था वो खत्म हो जाएगा। तो ऐसा करने के लिए बहुत सारे टूल्स मार्केट पे अवेलेबल है, जो कि बहुत सारे टूल्स फ्री भी है। जैसे कि मैं उसका नाम आपको बता देता हूं। उसके लिए एक सॉफ्टवेयर आता है डीबान कहके, दूसरा सॉफ्टवेयर है CBL कहके कुछ है। तो मैं उन सारे सॉफ्टवेयर का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, आप वहां से जाके चेक कर सकते हो। बहुत सारे सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल है जो कि फ्री है। तो अब बात करते हैं हमारे तीसरा मिथ्स, वो है कि मैग्नेट्स। मैंने जो आपको बताया कि अगर कोई मैग्नेट को आप अपने पीसी के पास रखते हो तो आपके कंप्यूटर में जो डेटा था, जो हार्ड ड्राइव में जो डेटा था, उसको रिमूव हो जाएगा। दोस्तों ये भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है, ऐसा भी नहीं होता। ऐसा हो सकता है अगर वहां पे जो मैग्नेट है उसका मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं जो कमर्शियल लेवल का जो मैग्नेट्स होता है, या फिर अगर आप उसको लैब पे टेस्टिंग करने के जो मैग्नेट्स होता है जो कि बहुत पावरफुल होता है, उससे आपका कंप्यूटर का जो हड्डी से वहां पे सारा डेटा रिमूव हो सकता है। पर नॉर्मली जो घर में हम मैग्नेट्स रखते हैं, जैसे कि स्पीकर का मैग्नेट हो गया वगैरह वगैरह, जो भी मैग्नेट्स हम घर में रखते हैं, इससे आपके कंप्यूटर में कोई भी डेटा जो है रिमूव नहीं होता है। ये बिल्कुल ही एक मिसकंसेप्शन है। अब हम बात करेंगे हमारे चौथे पॉइंट के ऊपर, चौथा मिथ्स वो है कि डिफ्रैगमेंट। अब दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है डिफ्रैगमेंट करने से बोलते हैं कि डिफ्रैगमेंट करने से हमारा जो कंप्यूटर का जो स्पीड है वो इंक्रीज होता है, या फिर बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं, मैंने सुना है कि डिफ्रैगमेंट करने से हमारे कंप्यूटर में जो हार्ड ड्राइव है वो खराब हो जाता है। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, पर ये भी दोस्तों एक मिसकंसेप्शन है। डिफ्रैगमेंट करने से आपका जो हार्ड ड्राइव है उसका लाइफ बढ़ता है घटने की वजह। यहाँ पे आपका जो कंप्यूटर का लाइफ है, आपके कंप्यूटर में जो हार्ड ड्राइव उसका लाइफ बढ़ता है। कैसे लाइफ बढ़ता है उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। डिफ्रैगमेंट करके एक वीडियो है, आपको कार्ड्स में मतलब आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने भी उसका लिंक डाल दिया है, तो आप उस वीडियो को जाके देखो तो आपको डिफ्रैगमेंट बारे में भी पता चल जाएगा। अब आ जाते हैं हमारा पांचवा मिथ्स और आखिरी मिथ्स, वो है बैड सेक्टर को लेके। बहुत सारे लोग जो है बोलते हैं कि कंप्यूटर के अंदर जो बैड सेक्टर जब हार्ड ड्राइव में बनता चला जाता है तो उस बैड सेक्टर जो है रिफॉर्मेट करने के बाद जो है ठीक हो जाता है। पर दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। क्या होता है बैड सेक्टर के साथ मैं आपको बताता हूं। तो एक्चुअली बैड सेक्टर होता क्या है, आपके हार्ड ड्राइव में मतलब मैं मैकेनिकल हार्ड ड्राइव की, मैं यहाँ पे सारी चीजें मैकेनिकल हार्ड ड्राइव के बारे में बात कर रहा हूं। तो मैकेनिकल हार्ड ड्राइव में
जो उसके अंदर जो डिस्क होता है, जो मैग्नेटिक जो डिस्क होता है, वो डिस्क के ऊपर या तो वो डिस्क किसी वजह से डैमेज हो गया, या फिर उस डिस्क में कुछ भी प्रॉब्लम हो गया कहीं पे, कुछ प्रॉब्लम हो जाने की वजह से, आप ऐसा मान लो कुछ प्रॉब्लम हो जाने की वजह से जो उसके अंदर जो मैग्नेटिक डिस्क है वो खराब हो गया किसी किसी जगह पे, तो इसीलिए वहां पे डेटा रीड और राइट नहीं हो सकता। ऐसे ही बनता है बैड सेक्टर। अब बैड सेक्टर यहाँ पे फॉर्मेट करने से जो रिमूव हो जाता है, ये जो मिसकंसेप्शन है इसके बारे में आपको बताता हूं। क्या होता है कि जब आप अपने हार्ड ड्राइव को फॉर्मेट कर लेते हो तो जो बैड सेक्टर है उसको आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको रिमूव कर देता है, उसको सिर्फ इंडेक्स से, मतलब कि वहां पे आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ये देखेगा कि इतना जगह फ्री है और बैड सेक्टर को तो वो पढ़ ही नहीं पाएगा, तो वहां पे डेटा है या फिर नहीं है, या फिर वो खत्म हो गया, या फिर कुछ भी हुआ हो, वो आपके फ्री स्पेस में वो दिखाएगा ही नहीं। तो इससे आपको शायद लगेगा कि यहाँ पे जो बैड सेक्टर था वो खत्म हो गया है, पर ऐसा नहीं होता। बैड सेक्टर के साथ कुछ भी ऐसा नहीं होता। बैड सेक्टर मैंने आपको बता दिया है कि कोई फिजिकल डैमेज की वजह से बैड सेक्टर बनता है, और बैड सेक्टर नॉर्मली रिमूव नहीं हो सकता। ये तभी रिमूव होगा जब अपने हार्ड ड्राइव को बदल लोगे। समझ पा रहे होंगे आप मेरी बात? तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि बैड सेक्टर रिमूव नहीं हो सकता, सिर्फ यहाँ पे जो आपका विंडोज है वो ये समझता है कि इतना ही स्पेस है मेरे पास, मुझे इन्हीं सारे स्पेस के अंदर जो डेटा है उसे रखना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो का पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया तो जरूर एक लाइक कीजिए, उसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को आप दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल रह गया हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो, मैं उसका आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को साथ करता हूं देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ उसके पास जो घंटी का आइकॉन है उसे भी जरूर दबा दीजिएगा, इससे ये होगा कि जब मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन जो है मिल जाएगी। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को साथ करता हूं देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।